दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या प्रेजेंट टाइम में कोई भी आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स आप सीख रहे हो, तो आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाली है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR रिपोर्ट्स में GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी या फिर GST एनुअल कॉम्पिटिशन के बारे में। तो दोस्तों, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी यूज करते हो तो ये ऑप्शन आपको सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं GST रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, आखिरकार ये जो GSTR Return 1 होती है ये हमें कब फाइल करनी होती है और GSTR 1 में हमें कौन से रिकॉर्ड मेंशन करने होते हैं, GSTR 2 का हमारे बुक्स के लिए क्या उपयोग होता है, GSTR 3 भी का हमें कौन कौन से रिकॉर्ड हमें मेंशन करने होते हैं, ये रिटर्न हमें कब फाइल करनी होती है, GST एनुअल कॉम्पिटिशन किस तरीके से तैयार होता है, GST एनुअल कॉम्पिटिशन में हमें कौन सा रिकॉर्ड तैयार करके देना होता है, तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम GST रिपोर्ट्स में हमें जो ऑप्शन दिखाई देते हैं GST से रिलेटेड, उस पर हम एक बार विजन करते हैं। फिर उसके बाद में हम हमारे बुक्स में कितना रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर रखे हैं और कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें कौन सी रिटर्न में दिखाई देगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम डिस्प्ले रिमोट रिपोर्ट्स पर जाएंगे या आप डायरेक्टली गो टू पे, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो डायरेक्टली GST रिपोर्ट्स पर भी आ जा सकते हो। तो जैसे हम GST रिपोर्ट्स पर जाएंगे तो ये जो सारा का सारा मैटर हमें GST रिटर्न से ही रिलेटेड होता है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जो बात करने वाले हैं केवल इस 3 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उस पर सभी पे ईवी बिल कैसे बनता है, ईवी बिल का रजिस्टर कैसे तैयार होता है, कंसोलिडेटेड ईवी बिल किस तरीके से तैयार होते हैं, सभी ऑप्शन के बारे में हम आपको प्रैक्टिकल डिटेल के साथ बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर ये सारा मैटर हम इसी एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो हम बात करते हैं GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, जो GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है ये हमारी सेल से रिकॉर्डिंग हमारा डाटा इसके अंदर दिया जाता है। भी हमने जैसा कि अभी हमारा सितंबर 2021 मंथ चल रहा है, तो हमने 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2021 तक हमने कितना गुड्स है जो सेल किया है, कितना हमारे पास सेल है जो रिटर्न हुआ है, तो वो सारी डिटेल हमें GSTR 1 में देनी होती है। कितना हमने रजिस्टर्ड लोगों को सामान बेचा है, कितना अनरजिस्टर्ड लोगों को सामान बेचा है, उसकी डिटेल सारी हमारी GSTR 1 में हमें देनी होती है। तो दोस्तों, जो GSTR 2 का जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड ऑटो पॉपुलेटेड होता है, ये हमें कोई तैयार करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सारा का सारा हमारा परचेज से रिकॉर्डिंग रिलेटेड है जो रिकॉर्ड हमारा इसमें रहता है, यानी कि हमने जो लास्ट मंथ के अंदर कितना गुड्स हमने परचेज किए हैं, कितना हमें इनपुट का टैक्स मिला है, तो वो सारी की सारी बातें GSTR 2 में होती है। और जो GSTR 3 भी की रिपोर्ट हमें दिखाई दे रही है, इसमें हमारा GSTR 1 और GSTR 2 से दोनों को मिला के GSTR 3 भी मिलती है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सेल का रिकॉर्ड भी रहता है और हमारा परचेज से रिलेटेड जो हमारा इनपुट होता है उसका रिकॉर्ड हमारा 3B में रहता है। अब हम एक बार सबसे पहले कितना हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है अगस्त मंथ में उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम डे बुक पर चलते हैं, हम पीरियड यहाँ पे दे देंगे 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2021 तक। तो अभी हम डिटेल आप देख रहे हो, इसके अंदर हम इसमें जूम करते हैं 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2021 का। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे हो हमारे पास कुछ परचेज भी है, सेल भी है, क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है, पेमेंट वाउचर भी है और जर्नल रिकॉर्ड भी है। तो दोस्तों, हमें जो GSTR रिटर्न फाइल करनी है उसमें हमारा जो रिकॉर्ड रहना है वो केवल और केवल सेल से रिकॉर्डिंग और या फिर हमारा जो क्रेडिट नोट हमने इशू किए हैं उससे रिलेटेड, ये हमारा GSTR 1 का पार्ट है। अब हमें देखना है भी हमने अगस्त मंथ के अंदर कितना सेल हमने किया है, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर हम जाके देख सकते हैं, हमें इजी वहाँ पे दिखाई दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर जाएंगे तो पीरियड हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, इसके लिए हम पूरा डिटेल ओपन कर लेंगे एल टाइप 2 के साथ 1 अगस्त 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक। तो दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप रिकॉर्ड कोई चेक कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पीरियड आपको वहां पर देख लेना है भी, आप जो रिटर्न देख रहे हो या कोई भी रिकॉर्ड आप देख रहे हो तो उसका पीरियड ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है।
तो अभी हमने 1 अगस्त 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 कर दिए हैं। तो इसमें हम जीएसटी R1 की अगर बात करें तो हमारी सेल का रिकॉर्ड जाना है। अब सेल हमारी हुई है अगस्त मंथ में 45,980 रुपये की, जिसमें कि हमारी सेल भी है और ये सेल रिटर्न भी है, यानी कि ये हमारी नेट सेल है 45,980 की, जबकि सेल हमारी रियल्टी के अंदर ज़्यादा है और कुछ हमारे पास ये रिटर्न आ गया। अब ये जो जीएसटी R1 के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड रहना है, अब इस रिकॉर्ड के अंदर हमारा क्या क्या पॉइंट हमारे रहते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पर हम जाएंगे और जीएसटी R1 को ओपन करेंगे। यहाँ पर भी हम पीरियड दे देंगे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी जो हमारी टोटल जो सेल है वो भी आपको 45,980 रुपये दिखाई दे रही है। ये आपका जो हमारा टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टोटल के कॉलम में आ रहा है, जबकि हमारे इस जीएसटी R1 के पॉइंट में ये टोटल 9 पॉइंट होते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। तो दोस्तों पहला आप पॉइंट देख रहे हो B2B का, एक नंबर जो पॉइंट है, और इस पॉइंट के अंदर आप देख रहे हो इसके आगे वाउचर की काउंटिंग संख्या 3 है, टैक्सेबल वैल्यू इसकी ये है और ये इसके टोटल टैक्स के अमाउंट है। अब इस टैक्स के अमाउंट में CGST का टैक्स, SGST टैक्स या फिर IGST टैक्स है वो इंक्लूड है, और ये इसके टोटल इनवॉइस की अमाउंट बन गई। ये इनवॉइस की अमाउंट आपके टैक्सेबल अमाउंट और प्लस जो टैक्स की अमाउंट है, इन दोनों को प्लस करके ये टोटल अमाउंट बन गई। जबकि हमें रिटर्न के अंदर हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिकॉर्ड देखा था वो टैक्सेबल अमाउंट ही होता है, यानी कि जीएसटी से पहले की जो अमाउंट होती है। तो दोस्तों आपको पहला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर B2B का, B2B इनवॉइस, यानी कि हमने रजिस्टर्ड लोगों को कितना माल सेल किया है अगस्त मंथ में। अब रजिस्टर्ड लोगों का मतलब जैसा कि हमारे पास भी जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी का नंबर है, तो उस तरीके से जो हमने जिस पार्टी को सेल किया, जो हमारे कस्टमर है, उनके पास भी जीएसटी नंबर है, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे लोगों को हमने कितने लोगों को गुड सेल किए, तो वो है टोटल 3 इनवॉइस हमने सेल किए और उसकी जो वैल्यू है वो 7,335 रुपये की है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो तीनों इनवॉइस आपको दिखाई दे देंगे। तो इसके अंदर आपका कस्टमर एक भी हो सकता है, कस्टमर आपके पास 50 भी हो सकते हैं। तो वो डिटेल सारी आपको पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह और उसकी जो इनवॉइस वगैरह आ गया, जैसे कि इनवॉइस नंबर एक तो 2 नंबर इनवॉइस है, 1 4 नंबर इनवॉइस है और 1 7 नंबर इनवॉइस है, यानी कि इतने जो 3 इनवॉइस है ये हमने रजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया हुआ है। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा पॉइंट नंबर 2 B2C लार्ज का। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, और लार्ज का मतलब भी ऐसा कोई भी कस्टमर हो आपके पास जिसके दौरान आपने 2.5 लाख रुपए से 2,50,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट का इनवॉइस आपने बना के दिया हो, यानी कि सिंगल इनवॉइस की अमाउंट है जो 2,50,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, तो वो लार्ज कस्टमर में गिना जाएगा। तो उसकी जो रिकॉर्ड है वो सारा हमारा इस पॉइंट नंबर 2 में कवर होएगा। उसके बाद में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है B2C का। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और इसके आगे लिखा हुआ है स्मॉल। अब आपके सॉफ्टवेयर में S या L भी हो सकते हैं, तो S का मतलब स्मॉल, L का मतलब लार्ज। तो स्मॉल का मतलब भी जो 2,50,000 से कम की अमाउंट को जिनको हमने सेल किया सिंगल इनवॉइस में, तो वो हमारे इस 3 नंबर पॉइंट में कवर होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं 5, यानी कि 5 इनवॉइस हमने सेल किया हमारे कस्टमर को। अब इसमें आपके पास अनरजिस्टर्ड, यानी कि ऐसा कोई भी कस्टमर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपकी जो कैश सेल है वो भी B2C में ही कवर होती है। एंटर प्रेस करेंगे और आप देख रहे हो हमारे पास 2 हमने सेल करी है, एक हमारी पंजाब की है, एक राजस्थान में भी सेल करी है। तो जो आउट ऑफ स्टेट की है उसका जीएसटी चार्ज जो है, और जो लोकल की सेल है उसमें CGST और SGST चार्ज जो है। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनवॉइस की डिटेल आएगी सारी। अब इसके अंदर ये B2C, अब B2C के अंदर किसी कस्टमर का आपको नाम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, पहले सब सप्लाई देखेगा और जीएसटी रेट आपको दिखाई देगा भी कौन कौन से रेट के आपने गुड सेल किए हैं। तो एक तो 13 अगस्त 2021 का विवेक सिंह को, और एक 18 अगस्त 2021 को, वो भी विवेक सिंह, पार्टी ए की है। और इसमें जो इनवॉइस हमने इनको सेल किया, एक तो 3 नंबर इनवॉइस है और एक 6 नंबर का इनवॉइस है। तो 2 इनवॉइस हमने आउट ऑफ स्टेट सेल करी है। राजस्थान की अगर बात करें तो 3 इनवॉइस आपको यहाँ पर लोकल में देखने को मिलेंगे, B2C स्मॉल, और यहाँ पे पहले सॉप सप्लाई राजस्थान। तो इसमें 2 इनवॉइस हमारे कैश के हैं और एक हमारा सुदेश कुमार के, जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो ये जो वाउचर नंबर है, 1 नंबर वाउचर कैश का है, उसके बाद में 5 नंबर वाउचर वो भी हमने कैश सेल करी है, और 8 नंबर का जो वाउचर है हमारा सेल का वो हमने सुदेश कुमार को सेल किया है। तो ये 3 हमारे लोकल के हो गए और 2 हमारे ये आउट ऑफ स्टेट के हो गए। तो टोटल 5 इनवॉइस हमने इशू किए हैं, तो ये टोटल आपको 5 की काउंटिंग यहाँ पर दिखा रहा है, और उसके टैक्सेबल वैल्यू उन्हीं 5 इनवॉइस की ये बनेगी, और ये इसके अंदर है
टैक्स की डिटेल सारी। अब इस टैक्स के अंदर आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स भी इंक्लूड है। उसके बाद में पॉइंट नंबर हम चार की बात करें, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी को, यानी कि हमने ऐसा जो हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टी को हमने जो सेल किया था पहले, अगर उसकी हमारे पास कोई सेल रिटर्न हमारे पास अगर वापस आती है तो उसके अगेंस्ट में हमने जो कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू किया है रजिस्टर्ड पार्टी को वो कितने किए हैं, तो इसकी संख्या भी आपको दिखाई दे रही है एक, यानी कि एक हमारे पास ऐसा रजिस्टर्ड कस्टमर था जिसने हमें गुड्स है जो वापस कर दिया, तो हमने उसको सेल रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल सारी दिखाई देगा। तो कस्टमर हमारे पास वही राजकुमार, और ये जो वाउचर टाइप का हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, और ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, ये सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो सेल रिटर्न वाला वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको पॉइंट नंबर 5 क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ये आ गया आपका अनरजिस्टर्ड का, यानी कि अगर आपके पास अनरजिस्टर्ड की अगर वापसी सामान आपके पास आता है तो उसके अगेंस्ट में आपने कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट इशू किया है तो इसकी संख्या भी आपको एक दिखाई दे रही है, काउंटिंग संख्या एक है की, यानी कि हमारे पास एक अनरजिस्टर्ड पार्टी ने हमें सामान है जो रिटर्न कर दिया तो उसका भी हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो अब इसके अंदर आपका चाहे वो लोकल का हो चाहे आउट ऑफ स्टेट का हो, सभी आपको इस क्रेडिट नोट के अनरजिस्टर्ड में दिखाई देगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है तो आपको पॉइंट नंबर 4 में उसका अमाउंट है जो दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल वाउचर की बात करें तो टोटल 10 वाउचर हमने इशू कर दिए, जिसके अंदर 8 तो हमारे हैं सेल के और 2 है सेल रिटर्न के, तो टोटल 10 वाउचर हमारे इशू हो चुके अगस्त मंथ में। और ये जो हमारी टोटल सेल और सेल रिटर्न होने के बाद में ये वैल्यू बन के 45,980 रुपये की। तो दोस्तों ये था हमारा GSTR 1 का जो पार्ट होता है हमारा, जिसके अंदर हमारे सेल का जो मतलब रिलेटेड जो डाटा होता है वो हम GSTR 1 के पार्ट में देते हैं। तो उसके बाद में जैसा कि ये हमारे पास पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 है, जैसे कि एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये आउट ऑफ कंट्रीज के लिए अगर हमने कोई एक्सपोर्ट का इनवॉइस अगर तैयार किया है तो उसकी डिटेल होती है। और उसके बाद में ये 7 नंबर जो पॉइंट है वो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, यानी कि अगर आपने अभी आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एडवांस रिसीव्ड, यानी अगर आपने किसी कस्टमर से गुड्स के अगेंस्ट में कोई एडवांस पैसा ले रखा है तो उसके ऊपर भी आपके टैक्स की लायबिलिटी अगर आपके बनती है तो आपको वो डिटेल यहाँ पर दिखाई देनी पड़ेगी। और उसके बाद में एडजस्ट ऑफ एडवांस, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स कर रखा है उसके एडजस्ट आपको मेंट करनी है तो हम इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद में नील रिलेटेड इनवॉइस, यानी कि जो एग्जाम टाइप के जो इनवॉइस होते हैं उसकी डिटेल आपको इस 9 नंबर पॉइंट में देनी होती है। हमारे पास केवल और केवल टैक्सेबल सेल थी तो हमारा ये ऊपर वाले पॉइंट में सारा डाटा कवर हो गया। उसके बाद बात आती है HSN समरी की, तो HSN समरी में हम बात करेंगे तो हमने HSN समरी के रिकॉर्डिंग कितना गुड्स हमने सेल किया हुआ है, तो हमारा डाटा भी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक है, तो हमने ये हमारा HSN कोड है, डिस्क्रिप्शन हमने कीबोर्ड सेल किए हैं, टाइप ऑफ हमारे गुड्स हैं UKC मैंने की, यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड, ये हमारे पीस में हमने सेल किए हैं, टोटल क्वांटिटी हमने 145 सेल किए हैं और इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 54,256 रुपये की है, और ये टैक्स रेट इस पे 18% का है और 45,980 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है, जिसके अंदर इतना हमारा IGST टैक्स है, ये हमारा CGST टैक्स है और ये SGST टैक्स है, तो टोटल टैक्स हमारा 8,276 रुपये और 40 पैसे का बन गया। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट समरी, तो डॉक्यूमेंट समरी यानी कि हमने अगस्त मंथ के अंदर कितने डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से इशू किए गए हैं, जैसा कि हमने सेल है जो सेल के जो हमने डाटा जो इशू किए हुए हैं वो 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक हमने इनवॉइस इशू किए, तो टोटल 8 इनवॉइस हो गए, कैंसिल हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। इस तरीके से एक डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी है, तो ये सारा का सारा हमारा टोटल है जो इशू जो डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से जो इशू हुए हैं उसका रिकॉर्ड हमें सारा GSTR 1 के इस डॉक्यूमेंट समरी में देना होता है। तो दोस्तों ये था GSTR 1 का पार्ट, अब हम बात करते हैं GSTR 2 की। तो दोस्तों 2 का जो हमारा रिकॉर्ड है, पीरियड हम चेंज करेंगे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का, तो इसमें आप देख रहे हो भी हमारे पास B2B इनवॉइस, यानी कि हमने रजिस्टर्ड पार्टी से इनवॉइस परचेज कितनी करी है, तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर B2B रिकनसाइल्ड विद द GST पोर्टल, यानी कि आप ये जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ये आप अपने पोर्टल के साथ इसको मैच करना जरूरी है, क्योंकि मैच इसलिए करना जरूरी है, अब यहाँ पर आपके बुक्स में आपका आ रहा है भी आपने 1,00,312 रुपये की गुड्स है जो परचेज करी है, जिसके अंदर 18,056 रुपये का आपने टैक्स के रूप में पे किया है, तो ये आपका टोटल ITC अवेलेबल हो जाएगा 18,056 रुपये और 16 पैसे का।
इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये आप देख रहे हो हमारे पास बालाजी ट्रेडर सप्लायर्स है और ये इसका नंबर ऑफ इनवॉइस 2 है, यानी कि हमने 2 बार इससे अगस्त मंथ में गुड्स परचेज किया हुआ है। एक बीएस ट्रेडिंग कंपनी है, इसमें हमने 1 बार है जो गुड्स परचेज किया हुआ है। तो टोटल ये तो रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको टोटल रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। B2B इनवॉइस है, श्री बालाजी ट्रेडर्स है, ये GST नंबर वगैरह, और ये सारा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सारी डिटेल हमारी ये लोकल की है, लोकल में हमें सप्लाई हुआ है तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें टोटल जो अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट ये है और इसका IGST टैक्स है ये। तो ITC अवेलेबल, यानी कि आपको IGST के रूप में इतना इनपुट का क्रेडिट आपको मिलेगा। ये हमारी लोकल की परचेज है तो इसके अंदर सारी हमारी टैक्सेबल वैल्यू ये है, CGST अमाउंट ये है और SGST की अमाउंट ये है। तो इस तरीके से ये हमारा परचेज का रिकॉर्ड आ गया। अब आप परचेज यहाँ पर जो देख रहे हो, परचेज आ रही है आपके पास 1,03,012 की और इसमें हमने गुड्स रिटर्न भी कर दिया, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रेगुलर को। तो इंटरप्रेस करेंगे तो ये हमारी परचेज रिटर्न हमने कर दी, तो जिसके अगेंस्ट में हमें क्रेडिट नोट है जो रिसीव हुए हैं, तो टोटल परचेज में से हमारे लेस हो जाएंगे टोटल हमारी परचेज रिटर्न। तो हमारी जो नेट परचेज है वो 98,761 रुपये की रह जाएगी, जिसमें हमें ITC जो मिलना है वो 17,776 रुपये और 98 पैसे का ITC मिलना है। अब हम बात करते हैं, इसमें भी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी यहाँ पर, टू बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल B2B, यानी कि कुछ रिकॉर्ड्स आपको ये GST रिटर्न मतलब जो पोर्टल होता है वहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड आपको दिखाई देंगे, तो GSTR2 आपको कहीं समरी देने की जरूरत नहीं होती, ये हमें हमारे ITC को मैच करने के लिए हमें तैयार करके रखना पड़ता है। हमने जो परचेज किया है तो हमारी जो सामने वाली पार्टी जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने हमारे जो इनवॉइस है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिए या नहीं कर दिए। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये 3 इनवॉइस है बुक्स में तो आपने एंट्री कर रखी है, लेकिन अभी ये तीनों के तीनों इनवॉइस आपके पोर्टल पर शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके खाते के अंदर ये पैसा अभी तक गया नहीं है गवर्नमेंट के पास में, तो आपको इस टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि इसका ITC आपको मिलने वाला नहीं है। और जो सेल के ऊपर आपको टैक्स बनता है वो सारा का सारा आपको डिपॉजिट करवाना पड़ सकता है। तो ये हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टू बी रिकनसाइल विद जी GST पोर्टल। तो दोस्तों ये GST पोर्टल से किस तरीके से मैच किया जाता है ये भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको टोटल प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, और उसके बाद में यहाँ पर सारी वो डिटेल इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड से कितना मिला हुआ है, नील रेटेड की सब आपके पास गुड्स है, एडवांस पेड आपने कितना कर दिया, एडजस्टमेंट अगर आपने एडवांस की करनी है, अगर ITC रिवर्सल आपने कर दिया हो, रिवर्सल का मतलब आपने ऐसा कोई ITC मतलब कोई इनपुट का क्लेम हो जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे और आपने गलती से उसको क्लेम कर लिया, तो हमें रिवर्सल में वो डालना पड़ता है। तो इस तरीके से ये रिवर्स चार्जेस की कुछ हमारे पास डिटेल्स हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होता है एक नॉर्मल बिजनेस के लिए वो खाली हमें केवल B2B की इनवॉइस की डिटेल और जो हमारे रेगुलर पार्टी से हमें क्रेडिट नोट जो रिसीव हुए हैं उनकी डिटेल को मिलाने के लिए हमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी रिटर्न देखो तो आपका ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा टैली सॉफ्टवेयर में भी, GST इन्फॉर्मेशन इज एक्सेशन समरी करेक्शन नीडेड, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर 0 रहना चाहिए। इसका मतलब आपकी रिटर्न प्रॉपर सही तरीके से बनी हुई है। और उसके बाद आती है 3B। तो दोस्तों 3B के अंदर हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1/8 से लेकर 31/8 तक। दोस्तों हम ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको ये मंथली रिटर्न के बारे में बता रहे हैं, ये रिटर्न मंथली भी फाइल होती है और क्वार्टरली भी फाइल होती है, यानी कि 3-3 महीनों से। जिसकी टर्नओवर है जो 5 करोड़ से कम है वो इसको क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के साथ फाइल कर सकता है, और जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा की है उसको ये मंथली रिटर्न तैयार करनी जरूरी होती है। तो अभी हम Alt+F1 इसकी डिटेल ओपन कर लेते हैं सारी। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो GST R3B में हमारी जो टोटल टैक्सेबल सेल अब 45,900 से की है और टैक्स अमाउंट इतना बन गया 8,276 रुपये और 40 पैसे का। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एलिजिबल ITC, यानी कि आपको इनपुट टैक्स कितना मिला है अगस्त महीने के अंदर, यानी कि जो आपने परचेज किया हुआ है, तो उसकी डिटेल हम देखें तो हमारे पास 17,776 रुपये और 98 पैसे का हमें इनपुट मिला है, जो कि अभी हमने GSTR 2 में जो देखा था, आपको एक बार वापस वेरीफाई करा के देता हूँ मैं। आप देख रहे हो ये हमें ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल ITC अवेलेबल 17,776 रुपये 98 पैसे का। अगर हमारे पास परचेज रिटर्न अगर हमारी नहीं होती तो हमें ITC मिलना था 18,056 रुपये और 16 पैसे का। हमने गुड्स रिटर्न कर दिया तो हमारा टैक्स है वो भी रिवर्स हो गया, तो वो ये जो टैक्स है ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 17,776 रुपये और 98 पैसा हमारा टैक्स है जो ITC के रूप में हमारा बच जाएगा।
तो ये हमें 3B के अंदर इसका क्लेम हमें करना होता है। LTF-1 के साथ डिटेल देखेंगे, अगर आप नेचर वाइज देखोगे तो आपको ये पूरी डिटेल यहाँ से शो हो जाएगी भाई, टोटल आपकी जो सेल है टैक्सेबल सेल और ये आपकी इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल, तो टोटल आपकी सेल ये है और इसके ऊपर आपका टैक्स आउटपुट इतना बनता है। और इस तरीके से अगर पूरी डिटेल हम इनपुट की देखें तो ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है, यानी कि हमने परचेज किया हुआ है, तो इस परचेज के ऊपर हमने टोटल हमारी परचेज 98,761 रुपये की है और 17,776 रुपये 98 पैसा हमारा इनपुट का टैक्स है। तो यानी कि जो GSTR 3B की जो हमारी रिटर्न है उस रिटर्न में हमें सेल का रिकॉर्ड और प्लस हमें परचेज के ऊपर कितना इनपुट मिले वो डिटेल हमें तैयार करके रखनी पड़ती है, वो ही हमें गवर्नमेंट को जो ओरिजिनल पोर्टल पे इसका जो फॉर्मेट है उसमें हमें ये सबमिट करना होता है। अब हम बात करते हैं GST एनुअल कॉम्पोटेशन की। तो दोस्तों एनुअल कॉम्पोटेशन का मतलब क्या हो गया भी, पूरे साल की आपकी जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न के अंदर आपने पूरे साल के दौरान कितना आपने सेल किया हुआ है, उस सेल के अंदर आपने B2C को कितना आपने सेल किया है, B2B को आपने कितना गुड सेल किया हुआ है, कितने आपने सर्विस आपने सेल करी है, वो सारी की सारी डिटेल आपको एनुअल रिटर्न में। उसके बाद में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जिसको हम ITC बोल देते हैं, तो उसका ITC आपको गुड्स पर कितना ITC मिला हुआ है, कोई आपकी सप्लाईज है उसके ऊपर आपने कितना ITC क्लेम किया हुआ है, कैपिटल गुड्स पे आपको कितना इनपुट मिला हुआ है, तो सारी की सारी टैक्स की डिटेल हमें इनपुट के इस पार्ट में देनी होती है। कितना टैक्स आपने रिवर्स कर दिया है, कितना टैक्स आपने केस के थ्रू जो पेड किया हुआ है, कितना ITC आपका बचता है, HSN समरी वाइज टोटल जो हमारी जो पूरा साल का डिटेल हमने जो GSTR 1 GSTR 3B में देते हैं उसको पूरे साल का कंबाइन करके वो हमारी एनुअल रिटर्न तैयार होती है, जिसे हम GST का एनुअल कॉम्पोटेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दे के जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।